कभी नहीं हो सकते। कन्हैया बोले बाबा है जब ए ढंगी दुनिया भूल भुलैया नु मैं भुलानी है वे ढंगी दुनिया भैया पानी मांगे लठिया लेके धावी और जियत बाप को बातन पूछी जियत बाप को बातन पूछी मरे पे गंग ले जावे है वे ढंगी दुनिया भूला भुलैयन मैं भुलानी है वे ढंगी दुनिया। बाप को रोटी के टुकड़े नहीं दे रहे और मर गए तब छाती ठोक रहे हैं मरे वाले मरे मरे बब्बा ताऊ की मैया की पिता की ओ पापा वो तुम्हारे बिना कैसे रहे। एक बार बोल सुनाए दे हैं मतलब जब तक जिंदा रहे एक गिलास पानी भर के ना दो जब मर गए तब पीठ ठोक अपनी छाती ठोक रही हो नेक आदमी चाहे सांस डकार हो ये बेहू चले जाए। मेरे प्यारे एक बात कहना चाहूंगी अगर हमारे घर में हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो दुनिया का कोई तीर्थ करने की हमें जरूरत नहीं है। सुनिए बोले ए दुखिया भैया पानी मांगी लठिया लेके दावे और जियत बाप को बातन पूछे जियत बाप को बातन पूछे मरी पे गंग ले जावे है वे ढंगी दुनिया भूला भुलैया नु मैं भुलानी है वे ढंगी दुनिया। और ओ मैया बेडंगी की बात कहूं तो एक बात और बताऊं कुछ दिन पहले एक प्रथा चली थी जहां मैया को एक लल्ला होए वह एक लल्ला पे पांच हरी चूड़ी पहने चली थी कना हाँ। और एक और चली थी जहां मैया को एक लल्ला होए वह दुतिया मांग के सास पे ते जन जिठानी पे ते पहने हैं। हाँ एक प्रथा और चली थी माई बहने जो को मीठो खवाए चली थी कना। एक ढोलक मास्टर मेरे साथ रहते हुए छह भैया आते उन्हें बहना एक उन्हें वे हमसे बोले दीदी मैंने कहा बोलो मेरी पत्नी कह रही थी आकृति दीदी कि हम बहन के बच्चों को मीठा खिलाएंगे। मैंने कही देखो भैया हम तो इन चीजों में पढ़ते नहीं है अगर हम मना करेंगे हो सकता है तुम्हारी पत्नी कुछ और सोचे। और उस समय भगवान की कृपा ऐसी कि दो तीन दिन हमारे पास खाली थे हम घर पर ही थे तो हमने अपने दीदी के दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया था। मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले घर पर तो बे भैया भाई पत्नी को लेके आए। अब थोड़ो थोड़ो एक शायद लल्ला तो पांच वर्ष को और एक शायद दो ढाई साल को हो तो बे लाई मीठो थोड़ो थोड़ो मुंह में लगाए दो तो तुर कर दो हम इनकी पता नहीं इनके साथ मुझको का करना पड़ेगा। दो चार घर में जाए कि हमने माता बहन से पूछी मैंने की बे भाभी मीठो खवा भी आई का करें बोली करियो का साड़ी लेके दे। मैंने की राम साड़ी देनी पड़ेगी बोले हाँ। अब हमने की साड़ी के बारे में हमें कोई ज्ञान भी ना है हमने उन्हें भाभी से कही हमने की तुम चलो हमने लल्ला से कही तू गाड़ी निकाल ये गाड़ी लेके आया उन्हें लेके आया रेटा में सौंगरे जी की दुकान है ना हाँ वो लड़का मुझे अच्छी तरह से जानता है तो उसकी दुकान पर हम ले गए।
बाने 500 रुपया से खोल खोल के 5000 तक की साड़ी डाल दे। हमने की भाभी कछु पल्ले पड़ो। हाँ दीदी। मैंने की कौन सी? एक जवारी और एक जवारी। तो मैंने की भैया रेंज क्या है? बोला दीदी आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं है। मैंने कहा जी आप बताइए। बोला एक दाम आपको 3100 की पड़ेगी और एक आपको 2700 की पड़ेगी। हमने की भैया खबे गई मिठाई हमारी तो है? ये क्या है? ये बर्बादी की लक्षण तौर है और क्या है ये? मेरी मैया एक प्रताप चली थी, शायद अपने यहाँ चली हो ना चली हो, लॉकडाउन कितनी तारीख को लगा था किसी को याद है? वाह हम भी नहीं भूल पाएंगे इस दिन को, 22 मार्च को। और 22 मार्च को मेरी कथा का जिला मैनपुरी में तेजगंज गांव है दरोगा जी की यहाँ कथा चल रही थी। एक भैया दरोगा थे उनकी और एक उनका लड़का पुलिस में था, एक मास्टर थे, उन्होंने कथा कराई। बहुत अच्छा बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ था। वैसे तो हम रोज आते जाते थे लेकिन दरोगा जी बोले आप रोज चली जाती हो, मेरी पत्नी कहती है सेवा का मौका बिल्कुल भी नहीं देती है, आज नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया नहीं जाएंगे। उन्होंने ज्यादा प्रेशर डाला तो उस दिन हम उनके यहाँ रुक गए। अब जब रुक गए भैया तो शाम को उनके यहाँ जैसे फौजी साहब जी के मैस चल रहा है ना खाने का, वैसे उनके यहाँ भी मैस चल रहा था। शाम को उनकी पत्नी हमारी सेवा कर रही, कोई हाथ दबा रही, कोई पैर कोई सर, सेवा में लगी भाई। तब तक का सुनने में आई कि जा मैया को एक लल्ला होए औरत कुआ में बाल्टी भर के डारे। यहाँ चली थी का यहाँ तो समझदार है टावारी सब। अब बे हमारे पाए छोड़ के चली। मैंने की काहे कहाँ चल रही? बोले चलो देवी जी आपको कुछ दिखाएं। बे पे 3 मंजिल अटारी पे चढ़ाई के ले गई उनके घर के पीछे तो कुआ बा, कुआ में लेडी जी बाल्टी भर भर के डारा डार डारा डार। मैंने की काहे झुकाए अरे और बोले देवी जी जा मैया को एक लल्ला होए बाल्टी भर के कुआ में डारे। हमने कही राम राम कितनी बाबरी है ये लोग, इतना कह के हम आए के लेट गए। पीछे से बे आई फिर हाथ पैर दबाने लगी। हमें थोड़ी देर बाद भगवान की ऐसी कृपा हमें आ गई नींद, हम सोए गए। उनने उठाई बाल्टी और भाग खड़ी भाई। हमारी आग खुली बनी लल्ला तेरी मम्मी कहाँ है? बोले देवी जी मम्मी गई है कुआं में बाल्टी डाल भी। वे लौट के आई हमने की काय कहाँ गई थी? बोले देवी जी नाराज ना हुई हो मेरे अकेलो लल्ला है तो मैं रुको ना गो। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने इतना पैसा हमें दिया है, आपने इतना पैसा हमें दिया, इतनी बड़ी डेकोरेशन और इतना विशाल भंडारा आप लोग करेंगे, ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? मेरी मैयाओं ध्यान से सुनना, इन प्रथाओं को वही लोग मानते हैं जिन्हें अपने इष्ट पर भगवान पर विश्वास नहीं होता है। मेरी मैयाओं अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई क्या आपका बेटा 5 हरी चूड़ी पहनने से बच जाएगा? बताइए क्या उसकी नजर टेढ़ी हो गई? क्या धोती मांगने से पहनने से बच्चा बच जाएगा? क्या प्यारे लेने वाला भी वही है तो देने वाला भी वही है। इसलिए अगर उसने तुम्हें दिया है तो उसका उसको समर्पित कर करके जीवन जियो। ये कह दो कि प्रभु ये मेरा तो निमित्त है, ये एक बहाना है कि ये मेरा है, लेकिन तेरा तुझको अर्पण, जैसे तू राख वैसे उसकी रक्षा कर। ये तेरा है मेरा नहीं, तेरा है। जो उसके अधीन होकर की जिंदगी जीता है ना प्यारे, फिर जीने का नजारा ही कुछ और होता है। सुनिएगा हाँ एक बात और याद आ गई। एक प्रथा चली सड़क पूजन वाली, चली थी करना बड़ी पुरानी बात है, है? अपनों जीटी रोड हमारे गांव की औरत ने सब पूज डारो। उनने प्रथा निकारी के अपने जिला एटा की मशहूर कौन सी मिठाई है आंसू की दुकान की। उनने कही कि आंसू की दुकान की पति मिठाई लेके आवे, पत्नी रोड पूजे, बाकी बाद बचे मिठाई तो पत्नी खावे दूसरों को ही नहीं। तो मेरे दिमाग में आई भगवान अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे।
त्योहार बनावे भूला भूलिए मैं भूलानी है वे नंगी दुनिया भूला भूलिए मैं भूलानी है वे नंगी दुनिया भूला भूलिए मैं भूलानी है वे नंगी दुनिया कन्हैया की बात सुनी बाबा कहने लगे बेटा कहना क्या चाहता है बोले बाबा मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप उस इंद्र का पूजन छोड़कर गिरिराज महाराज गोवर्धन का पूजन करो जिस पर हम सभी बिचरते हैं गईये बछड़े चढ़ते हैं आप गिरिराज जी का पूजन करिए बाबा कहने लगे हमारे इष्ट नाराज हो जाएंगे भगवान कहने लगे नाराज हो जाएंगे ज्यादा ज्यादा बारिश नहीं करेंगे और बारिश अगर नहीं करेंगे तो हम सभी ग्वाल भाइयों में इतनी ताकत है समुद्र से नदी नहर से नदी से नहर नहर से नाला लेते हुए खेत की सिंचाई कर लेंगे बोलिए गोविंद भगवान की महाराज।